सीओ क्राइम गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने शनिवार को रामगढ़ ताल थाने का मुआयना किया, जिसके संबंध में सीओ क्राइम गोरखनाथ प्रवीण कुमार ने बताया कि रामगढ़ ताल थाने का औचक मुआयना किया गया है। थाने की व्यवस्था बेहतर है और कोविड हेल्प डेस्क भी देखने को मिला है। साफ सफाई की तुलना में शहर के अन्य थानों से बेहतर है। मालखाना, लॉकअप, रसोई घर को भी चेक किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। थाने में मुआयना के दौरान कोई भी विशेष कमी नज़र नहीं आई। थाने में आर्म्स के रख रखाव की व्यवस्था बहुत अच्छी है। थाना बाकी थानों की तुलना में बेस्ट है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ क्राइम गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, तो हमने अभी गैंग बना दिया है, गैंग भी वो भी खुला हो तो आज हो और लुटेरों की और भूमि विवाद रजिस्टर आपका है, मतलब उसको अवलोकन कर लेंगे। और मतलब एचएस की निगरानी जो फ्लाइट सी नहीं है, यहाँ 14 तारीख तक जानी है साहब के माध्यम से, उसको भी अपडेट करा के उसको भी देखवा लेंगे। क्यों, जहाँ पे मेन यही भूमि विवाद हो गया, एनसीआर रजिस्टर हो गया, उसके अलावा थाना दिवस की महिला संबंधी अपराध, उसके अलावा ग्राम रक्षा रजिस्टर को क्या क्या थाने से मिला है, कौन से नए गैंग पंजीकरण हुए हैं, ठीक है, और जैसे उसको भी अर्धवार्षिक मुआयने के अंतर्गत कर देते आइएगा। 120 सीट का चल रहा है ना, और जो भी जो रजिस्टर का खाका बना है उसके अतिरिक्त उसको रखिए, ठीक ठीक एनसीआर वगैरह में सब पे कार्रवाई हो रही है सर। जब लेटर जो लिखे हैं तो मैं आ गया होगा मिला कुछ कर जी सर। सिविल इसका मिलान आपने आर आई साहब से करवाया है? 9-9-5 सर, हमने आर आई साहब से आपका मिलान हुआ है? आर आई साहब से मिला, आर आई साहब से मिलान हुआ, मिलान हुआ सर, 20 साल हुआ है। 9-5 सर, हम की साफ सफाई हो गई है सर, मतलब आपने आर आई साहब के मतलब मिलान से और थोड़ा बार थाने के मिलान से अपने को अध्यावधित कर लिया है। ट्रेनिंग कैसे करा रहे, कोई आया था इसमें ट्रेनिंग करानी के नए लोगों को बोलना जोड़ना क्या सिखाया गया किसी को इधर बीच कोई नहीं, आप वहाँ से बुलवा के मतलब 2-3 दिन बोलो उनको, मतलब बोलना जोड़ना कम से कम यहाँ पे हैंडलिंग सीखने के, ठीक है। मोरत को बता देंगे गणेश और राजेश वहाँ दो मोरर हैं, तो राजेश जी हमारे गुरु भी रहे हैं, ठीक है, तो आ जाएंगे तो अच्छा थोड़ा सा जानना चाहिए बोलना जोड़ना, उससे कॉन्फिडेंस का लेवल अलग रहता है। बोलना छोड़ना आता होगा तो फायर पर आपने कर ही देगा, ठीक है, मौके पर जरूरत पड़े, ठीक है। और पिस्टल नहीं आपके पास? पिस्टल है सर, ग्लोव्स है, दोनों के पास है। अच्छा, मनीष यादव के पास नहीं पिस्टल, और चौकी प्रभारी भी है सर, तो और चौकी प्रभारी बिना पिस्टल के हैं जी, आपको
ये कप्तान साहब के निर्देशन में यहाँ के अर्धवार्षिक मुआयना शहर के और देहात के थाने का क्षेत्राधिकारी और स्कूल अधीक्षक महोदय के निर्देशन से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में यहाँ रामगढ़ ताल थाने पर आया गया, यहाँ का ठीक अर्धवार्षिक मुआयना किया गया। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कार्यालय से लेके तमाम जितने भी हेल्प डेस्क बने हैं यहाँ पे देखने को मिली। मालखाना, आपका रसोई घर, उसके बाद हवालात और ये संपूर्ण परिसर देखा गया। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अपने क्रम में हैं, कोई मतलब विशेष कमी कहीं कुछ नज़र नहीं आई। और जिस स्तर की ठीक स्वच्छता यहाँ देखी गई, मतलब ऐसा ही यहाँ पे ठीक शहर क्षेत्र के अन्य थानों को भी अपने यहाँ रखना है। और जैसा कि आपको जानकारी होगा कि अभी ये थाना महज ठीक 9 महीने तो पहले ही अपने रूप में आया है। इसके पहले यहाँ पे रामगढ़ ताल चौकी हुआ करती थी, उसको देखते हुए यहाँ पे जिस स्तर की तैयारी और मतलब जिस स्तर के नए सोचों ने अपने आप को रेडी किया वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ मुआयने में मतलब पूर्णतया उत्तीर्ण रहा है। हाँ, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, चूँकि थाना नया है तो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसका फिर मतलब अनुपालन भी कराया जाएगा। और कोई विशेष कमी नज़र नहीं आई और सारी जो भी चीज़ें हैं वो अपने मापदंड पे यह थाना खड़ा उतरा है। ये आर्म्स है यहाँ पे, आर्म्स दिए गए हैं और अभी धीरे धीरे यहाँ पे जनशक्ति के आधार पे उसका मतलब दोबारा आकलन किया जा रहा है और उस हिसाब से मतलब उनका रखरखाव तो काफ़ी अच्छी स्थिति में था। और उनकी ट्रेनिंग और उसके अलावा अन्य भी मतलब बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। स्वच्छता के मामले में पहले ही बता चुका हूँ, मतलब ये थाना अभी तक तो मैंने जिन थानों को भी देखा है वहाँ से अव्वल रहा है। बिल्कुल, मैं तो आपको मतलब 3 बार बोल चुका हूँ, उत्तीर्ण है पूरी तरह से पास और